आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए। अच्छा, आर्म्स का भी लाइसेंस खोज रहे हैं? हाँ, क्योंकि आए दिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं पान मीडिया बिहार। जैसा कि आज मैं आया हूँ बरहट प्रखंड का और यहाँ पंचायत भवन मेरे पीछे है और यहाँ पे देखते हैं अंदर में बरहट प्रखंड के सभी पंचायत के मुखिया जी एक बैठक कर रहे हैं और बैठक में इनका क्या मुख्य मांगे हैं और किस चीज का बैठक है इन सबसे जानते हैं। और जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं सभी मुखिया जी का बैठक चल रही है। मुखिया जी एक दूसरे को माला पहना रहे हैं और माला पहनाने का क्या उद्देश्य है और एकत्रित होने का क्या उद्देश्य है इसके विषय में जानते हैं। सबसे पहले क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम दामोदर पासवान, नुमर पंचायत मुखिया। अच्छा, क्या उद्देश्य है बैठक करने का? बिहार सरकार की पंचायती राज का जो कार्यक्रम है इसके ऊपर जो कुठाराघात किया जा रहा है इसके विरुद्ध में हम लोग एक संघ बनाए हैं, पंचायत मुखिया संघ से लेके प्रखंड तक और राज्य स्तर तक भी बनाए हैं और इसके तहत हम लोग का तब तक लड़ाई जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांगे जो दिया गया है वो पूरा ना हो जाए। सरकार से किस चीज की लड़ाई है, क्या चीज मांग है? हमारा जो मांग है वो खास करके जो मुखिया को दिया गया था पंचायती राज में अधिकार, उसको इन लोगों ने धीरे धीरे निरस्त करते जा रहे हैं और हम लोग उसके लेके एकत्रित होके कार्यरत हुए हैं, जिसका कि हमारे पास जो डिमांड है, डिमोन्स्ट्रेशन है, उसका लिस्ट इस प्रकार है। जैसे ग्राम पंचायत को 73वां संविधान संशोधन के तहत प्रदत्त 29 अधिकारों को पूर्ण रूपेण ग्राम पंचायत को सौंपा जाए। दूसरा है ग्राम सभा की रक्षा हेतु पारित निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। तीसरा, ग्राम सभा से चयनित योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए, सरकार ग्राम सभा से अनावश्यक हस्तक्षेप बंद किया जाए। मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में बड़ौड़ा असफल हो चुकी है, इसे पुनः ग्राम पंचायत को सौंपा जाए और ये हमारी सभी मांगों में सबसे बड़ी मांगे हैं। और फिर पंचायत सरकार भवन के निर्माण में पूर्व में ही LAEO असफल साबित हुई है, इसमें LAEO से हटाकर ग्राम पंचायत को क्रियान्वयन का जिम्मा दिया जाए। LAEO क्या है? ये शॉर्ट नेम है मुख्यमंत्री नल जल योजना का कार्य पूरी तरह बाधित है, इसे BHEGD के से हटाकर पुनः वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को दिया जाए। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन भत्ता में बढ़ोतरी की जाए, मुखिया 10,000, उप मुखिया 7,000, वार्ड सदस्य 5,000 प्रति माह दिया जाए। आठवां प्रस्ताव है ग्राम पंचायत के मुखिया को उनकी सुरक्षा हेतु आवश्यकता अनुसार उसके मांग पर देखा जा रहा है हमारे खास करके मुखिया लोगों के ऊपर जो कुठाराघात हो रहा है, उनको जान माल की क्षति हो रही है, इसके सुरक्षा के लिए। और कुछ मांगे? हाँ, और तीन मांगे हमारे हैं। पंचायतों में बंद पड़े कबीर अंत्य योजना को चालू किया जाए, क्योंकि हमारे ग्रामीण गरीबी के निचले स्तर में है और उनके सामने ये बहुत बड़ी समस्या है, इसे सरकार ने बंद कर रखा है, इसे अविलंब चालू किया जाए। सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को गति प्रदान किया जाए। ग्राम पंचायतों को पुनः जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार दिया जाए, जो कि जिसके लेके हमारी ग्रामीण पूरे तरह से ग्रसित है। चलिए, ये हमारा क्या नाम है? संजय यादव हुआ, लखाई पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि हुआ। अच्छा, मतलब अभी जो वेतन कितना मिल रहा है? वेतन हम लोग को मिल रहा है 2500 रुपया। 2500 रुपया? और कितना की मांग? 10,000 का। 10,000 की मांग जी। और जो आपका योजना, कौन कौन सा योजना आपके हक में नहीं है? हम लोग का योजना देखिए, और पहले तो है अपराधियों द्वारा हत्या कर दिए गए मुखियों को, परिजनों को सरकार से 50,00,000 रुपया तक मुआवजा दे और स्टील ट्रायड कर माध्यम से दोषियों का विलम्ब सजा दिलवाए। यानी मुखिया जी के लिए सुरक्षा के दृष्टि जी 50,00,000 रुपया मुआवजा की मांग। चलिए, और यहाँ पे है मुखिया जी है और इनसे भी जानते हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? कपिले प्रसाद। कहाँ के मुखिया जी हैं? अटौना का मुखिया है और अभी
यहाँ के अध्यक्ष मुखिया संघ का। अच्छा, मुखिया जी का अध्यक्ष जी हैं आप, तो आपका मुख्य रूप से तो मांगे अभी मैंने सुना, सुन ही लिए सब, और लेकिन और कुछ है इसमें कि अभी जो योजना बंद है, कौन कौन सा योजना आपके द्वारा बंद किया गया अभी सरकार के द्वारा? देखिए, किसी योजना बंद कुछ नहीं है, जो पहले था पावर मुखिया को करने का उसे छीन लिया गया। अच्छा, योजना सब चालू है, योजना चालू। जैसे अभी जो मुखिया जी बता रहे थे आपको, ये पेन ये वाला क्या बोलता है, मृत्यु और जन्म वाला अभी भी चालू है। देखिए, क्या हम लोग से मतलब बाहर है? अच्छा, आपसे मनमानी उसमें होता है। जैसे आवास की बात कीजिए आप, तो आवास क्या पहले क्या था, आवास योजना था कि मतलब मुखिया ऑल इन ऑल थे, आज डेट में वैसा नहीं है। लेकिन एक चीज तो शिकायत रहता है कि मुखिया जी आवास योजना में बहुत मतलब पैसा मांग करते हैं। देखिए, शिकायत तो हर चीज होता है, आपके अधिकार मेरे नहीं, मेरे प्रखंड में ऐसा बहुत, आप देख लीजिए, शिकायत कहीं नहीं होगा। आवास के नाम पे मेरे पंचायत में ऐसा कोई मुखिया जी नहीं है जो कि कहीं पैसा ले रहे हैं। अच्छा, बाकी हम बाकी पूरे बिहार नहीं कह सकते, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं इस प्रखंड में ऐसा शिकायत तो नहीं सुन सकते, ऐसा शिकायत जी प्रखंड में नहीं है। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मैं अनीता देवी। कहाँ के मुखिया जी? मल्लेपुर पंचायत के मुखिया जी। तो आपका अभी वेतन कितना है? 2500 रुपये। 2500 रुपये कितना वेतन की मांग कर रहे हैं? 10,000। अच्छा, चलिए, आपका क्या नाम? टिंकू देवी। कहाँ के मुखिया जी हैं आप? पंचायत लखई। लखई पंचायत की? लखई पंचायत की मंत्री थी। आप कहाँ के मुखिया जी? हरियालपुर पंचायत। अच्छा, चलिए, जैसा कि अभी आपने यहाँ पर सुना सभी मुखिया जी का कि मांग है और बहुत सारी योजनाएं चालू हैं लेकिन मेरे अधिकार में नहीं है, जिससे गरीब ग्रामीणों को बहुत दिक्कत होती है ब्लॉक स्तर तक आने में। ये सभी मांगे अभी सुन रहे थे मुखिया जी के द्वारा, देखते रहे।